हेलो नमस्ते, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गीता के ब्लॉग में। तो आज कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, अच्छी अच्छी वाली बातें कर लेते, थोड़ी फनी सी और थोड़ी सी मन की बात। तो बताइए आप लोगों में से सबसे पहले बिग बॉस कौन देखते हैं? सभी देखते हैं जाहिर सी बात, आप लोगों का मतलब उसमें सबसे आपको कौन लगता है कि जीतना चाहिए, क्या देखते और क्यों? अब मैं अपनी बात बता देती हूँ। मैं बिग बॉस देखती हूँ। बिग बॉस देखने के बाद हमारा होता है सुबह सुबह का चाय पीना और उसके बाद मेरे चली जाती है पानी भरना, और उसके बाद अपनी बहन को फोन करती हूँ गाँव, और मैं और मेरी बहन हम दोनों जिससे मैंने नहीं किया वो करती है, हम दोनों मिलकर घंटों बिग बॉस की बातें करती है कि हाँ ये वाले एपिसोड में ये सही हुआ वो गलत हुआ, ये सही हुआ वो गलत हुआ, बहुत सारी मतलब घंटों बीत जाते हैं। और जब हमारे कभी कभी हम जल्दी फ़ोन कर देते हैं तो हमारे पापा कहते हैं अरे बिग बॉस की बात करनी है भाई तुम लोगों को, तो थोड़ा देर बात करो क्योंकि फुर्सत रहे। तो भाई सबके घर पे घर घर में बिग बॉस देखा जाता है। हाँ मैं सिद्धार्थ शुक्ला के बाद दो सीजन नहीं देखी, जो भी हुआ उसके बाद वाला ये वाला सीजन देख ली, और ये वाला सीजन इसलिए देख रही हूँ क्योंकि इसमें शालीन भनोर है, इसलिए मैं देख रही हूँ ये सीजन, वरना मैं नहीं देखती क्योंकि ये मुझे मेरी बहन को मेरे घर में मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी भी बिग बॉस देखती हैं और शालीन भनोर के लिए बहुत बड़ी एकदम वो हैं और बहुत अच्छा लगते हैं वो, सच कहें बहुत अच्छा बहुत अच्छे इंसान दिखते हैं। मेरी मम्मी भी देखती, जब शालीन को डांट पड़ती तो मेरी मम्मी को तकलीफ होता है, गुस्सा आता भी है और तकलीफ होती कि देखो बेचारे को डांट पड़ गई, क्यों पड़ी, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो हम लोग घंटों बातें करते हैं, बिग बॉस की बातें करते हैं, और मुझे शालीन भनोर बहुत सही लगता है। देखिए मंडली के लोग हैं, हमें जो कुछ जनों का तो मुझे नाम भी पता नहीं है, काफ़ी जनों का नाम नहीं पता है, शालीन भनोर की नाम भी पता है और भाई देख भी रहे कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये इंसान कर क्या रहा है। अभी मंडली में जब ये कौन है वो जो बिग बॉस जीते हैं कौन सा वो मराठी वाला क्या नाम है, शिव ठाकरे, हाँ सॉरी शिव ठाकरे जी ने जब कहा था कि आप हाथ जोड़ते हुए आए गिड़गिड़ाते हैं, तो मेरी मम्मी को बहुत ख़राब लगा था, मेरी मम्मी को भी ख़राब लगा, मेरी बहन को, मुझे भी बहुत ख़राब लगा कि भाई तुम हो इंसान कैसे, वो इंसान ने जब तुम उसके टाइम पे खड़े थे जिस समय चाहिए थे, वो आज भी बोलता है सबसे कि ये मंडली हमारे साथ खड़ी थी और तुम्हारे पीछे भी बोलते हैं, और तुम कैसे हो कि बोलते गिड़गिड़ाते हुए आए ये करते हुए आए, इस पर किसी ने कमेंट नहीं किया। और हमेशा ऐसा बोलते हैं ना वो ना एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, भाई ये एक्टिंग नहीं करते, वो ऐसे ही है रियल लाइफ में, एक्टिंग एक दिन करेगा, दो दिन करेगा, दस दिन करेगा, पंद्रह दिन, इतने दिन कंटिन्यू करेगा। और किसी को इतना पोक मत करो, कोई भी हो, कोई भी हो, इतना भी पोक मत करो कि इंसान का दिमाग ख़राब हो जाए, एक लिमिट तक का सही रहता है, उसके बाद नहीं सही रहता है। और उसके बाद कौन वो निकले हैं क्या, मैंने कहा ना मुझे बहुजन का नाम भी नहीं याद है, सॉरी हाँ उसके लिए, अमृत क्या नाम है वो जो पंजाबन थी एक, अभी निकली हैं जो भी अभी निकली हैं, उन्होंने कहा था सच्चे लोगों को जीतना चाहिए, इस शो में रहना चाहिए। मेरा यही कहना है कि सच्चे लोगों को रहना चाहिए। जब आप निकली तो जो गायक का रैपर हैं उनका नाम नहीं सॉरी मुझे पता, वो जो रेपर है उन्होंने बोला क्या जनता आप ऐसे लोगों को रखना, हक से सच्चे लोगों को रखती है जनता, और शालीन सच्चा है। अभी बात समझ में, मतलब क्या मतलब तुम्हारे टीम का अगर गया तो जनता तुम झूठे लोगों को रखते हो, और अगर शालीन चला जाता तब भाई हक से पब्लिक सब देखती है, तो पब्लिक तुम्हारे टाइम पे नहीं देखती, तभी भी देखती है ना पब्लिक, ऐसा तो है नहीं। लेकिन बिग बॉस ने क्या खेला सबसे ज्यादा तो मुझे मजा आया, बिग बॉस जो खेलते हैं वो बातें किसी को शायद समझ में नहीं आती, लेकिन बिग बॉस जो खेलते हैं हाय बहुत बहुत अच्छा, बिग बॉस ने बहुत कमाल का खेला, जहाँ कोई अपनी लिमिट क्रॉस करता है उसे इस तरीके से सुना देते हैं ना बिग बॉस, जवाब दे देते हैं कि पूछो मत, लेकिन इस पर देना चाहिए था बिग बॉस जी आपको, लेकिन आपने नहीं दिया, ठीक है वो आपकी मर्जी, जब शिव ठाकरे बोल रहे थे तब आपको जवाब देना चाहिए। और वो सुंबुल गई, और वो उस दिन वो रैपर को थोड़ा सा खाली उसने बोला था शालीन ने कुछ, तो उस पर वो रोने लगा था कि मैं यहाँ तक आने के लायक नहीं, ये ड्रामे करके रोने लगा था, और जब वही जाते समय सुंबुल ने बोला तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब वर्ड अलग थे, सॉरी इंसान अलग थे,
प्लीज जो भी देखते ना, मैं तो चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि शालिन को ही जीतना चाहिए और किसी को नहीं। और वैसे भी सच कहें शालिन जी ने तो दिल को जीत लिया। और किसने तो बोला था कि 40 साल का इंसान इस तरह कूदता फांदता है क्या भाई, उम्र बताएगी। ये आप ही लोग हो जो बताते हो कि हाँ भाई अब एज हो जाती है तो हंसना मुस्कुरा रहनी चाहिए, किसी चीज के लिए करना चाहिए नहीं। पता है एक्चुअली ये सारी हरकतें किस में रहती है, जिसका मन साफ होता है वो ये सारी हरकतें करते हैं। हाथ बांध के आप किसी नहीं करते भाई हमारी एज होगी, ये तो शातिर लोग करते हैं। जो मन के साफ रहते हैं वो तो मस्ती फुल टू फुल मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आप किसी नहीं। तो जिस व्यक्ति ने भी कहा, जिसने भी कहा, मैंने कहा ना आधे से ज्यादा लोगों को मुझे नाम ही नहीं याद रहता है और किसी ने कहा शालिन का कुछ अस्तित्व नहीं है, वो फेक है, वो गेम के लिए कुछ भी करेगा। शायद शिव ठाकरे जी ने कहा था कि गेम के लिए वो कुछ भी करेगा। देखा जाए ना एक्चुअली जो बाहर से है वो भी शालिन का मजाक उड़ाए, वो बहुत खराब लगा हमारे। देखिए हम वो क्या बोलते हैं, पब्लिक हैं हम, और हम पब्लिक को जब मुझे खराब लग रहा है, मेरी मम्मी को खराब लग रहा है, मेरी बहन को खराब लग रहा है, मेरे घर में सारे सदस्य को खराब लग रहा है, ऐसा कोई नहीं कि जिसे नहीं खराब लग रहा। हमारे गांव के लोगों को बहुत खराब लगता है, गांव के नहीं मतलब हमारे कुछ रिलेशन हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें बहुत खराब लगता है जो शालिन जी को। तो बात शाम तक का तो फोन आएगा भाई ये बहुत गलत किया, जो भी जाते हैं वो शालिन का ये क्या है, आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते ना। एक हंसी मजाक एक लिमिट देखा कि कल के एपिसोड में देखा मैंने, शालिन जी ने बोला कि जो भी आता है इस तरह करता है तो कल उन्हें बहुत ख़राब लगा। तो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, हम पब्लिक को यहाँ से नज़र आ रही है, आपको नज़र नहीं आती है, आनी चाहिए ना नज़र। और वो एक अरे क्या बोलते हैं टीना दत्ता है कि कौन है, हाँ वो जो निकली थी उनका मैं बहुत इज्जत करती थी, सीरियस उनका उत्तरन सीरियल देखा था बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब नहीं, पब्लिक को अपनी बात रख सकती हूँ क्योंकि एक ही तरफ से नहीं था। हमने देखा जब वो बात करने आता था तो तुम हकालती थी, जब बात नहीं करने आता था तो फ्रेंडशिप कैसी, ये क्या है भाई, जब इंसान बात करने है तो तुम हकाल दो, उसके बाद जब फ्रेंडशिप क्या ना करे तो जो भी आया बाहर से उसने शालिन बोलते ना, किसी ने बोला कि तुम्हारे चर्चे तुम्हारे अस्तित्व और मतलब इसमें क्या है, तो हम बता दें जिसने भी कुछ ऐसी कुछ टिप्पणियाँ दी थी कि शालिन जी के लिए ना मतलब जो भी पहले आया ना तो चाहे ऐसे ऐसे करके शालिन का ही पहले नाम लिया, और आप भी जब अपने ग्रुप में बैठते थे ना तो शालिन का ही नाम लेते थे। लेकिन शालिन एक ऐसा बंदा था जो आप ग्रुप में नहीं रहे आपके साथ नहीं रहते थे तो आपका जिक्र भी नहीं करते थे, क्योंकि उसे फ़र्क भी नहीं करते थे। शालिन जी यहाँ से जीते हैं आप दिल से, जो भी नाम अपराध है प्लीज 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 आप लोग शालिन जी को आउट कीजिए, बस थोड़ा सा वक्त बचा है और हम चाहते हैं कि शालिन जी के हाथों में ट्रॉफी आए, क्योंकि इस इंसान की सबने बैंड बजाई है। शेखर सुमन जी ने बराबर उन्हें दिया था ढोल, क्यों, क्योंकि इधर से मंडली ने बजाई और उधर से जो बाहर से आई उन्होंने बजाई कि हाँ भाई तुम एक्टिंग करते हो, एक्टिंग करते हो, इसमें रियल कौन है। सुमन जी जो गई जो भी है सीरियल उनका किए होंगे ये नहीं पता, मैंने शालिन जी को भी बिग बॉस में देखा है लेकिन देखते ही यहाँ से कनेक्शन हो गया कि भाई ये इंसान सही है, ये फेक नहीं करता कि हाँ सिगार में नो मुद्दों में जानबूझ के नहीं घुसता, सही गलत जो उसे समझ में आता है। हाँ कन्फ्यूज होता है इंसान, कौन नहीं होता है आज के डेट में, कौन कन्फ्यूज नहीं है हमें ये बताओ, सब तो कन्फ्यूज है ना। लेकिन एक चीज शालिन जी के चलते झगड़ा हुआ उसके बाद वो इंसान आता है फिर बोलता है बात खत्म करो यार फ्रेंडशिप कर दे, ये क्वालिटी वो बोलते ना ग्रुप ग्रुप ग्रुप, उनमें किसी में नहीं, उस घर के अंदर किसी के अंदर नहीं है ये चीज़ कि झगड़ा करने के बाद और फिर आकर बोले कि भाई चलो फ्रेंडशिप कर दे, ये क्वालिटी किसी के अंदर नहीं है। तो इसलिए काश ऐसा होता शालिन के हाथ उड़ जाती, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे बिकॉज और आप लोग के घर में बिग बॉस की चर्चा होती है, आप लोगों को कौन अच्छा लगता है, अपनी अपनी पसंद होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी अपनी पसंद नहीं होती, बट आप बताइएगा कि आपको कौन पसंद है, हमें तो शालिन ही पसंद है। और आप बारीकी से देखेंगे सीरियसली शालिन ही पसंद आएगा, क्योंकि शालिन ने बहुत अच्छा मतलब वो जैसे है वैसे ही नजर आए, उनकी मॉम का स्वभाव एक नंबर, उन्होंने किसी के बारे में पीछे किसी के बारे में नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बहुत सही।
लेकिन हाँ उस घर में उंगली करने वाले बहुत है, सही में बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पसंद आया कि मुझे पसंद आया हो। पहले मुझे लगता था कि शिव ठाकरे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बट उनका इस बीच में जो वो ऐसे करके जो कहना बहुत हट गया कि मतलब तुम इंसान मतलब क्या। और ये मंडली में ही थी कि इनकी कहीं चर्चा ही नहीं हुई देखा जाए, बिल्कुल नहीं हुई। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग सिर्फ शालिनी जी के नाम पे, सॉरी शालिनी जी के नाम पे कहूँगी तो बहुत गलत हो जाएगा। आज का ब्लॉग सिर्फ बिग बॉस के नाम पे, क्योंकि बिग बॉस देखिए और शालिनी जी को सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए ताकि शालिनी जी जीते, दिल से कह रहे हैं। और टॉपिक किसके हाथ में आएगी ये तो पहली बात होगी, टॉपिक किसके हाथ में, लेकिन दिल तो जीत गया भाई। और प्लीज ऐसे उंगली मत कीजिए, ऐसे उंगली मत कीजिए किसी को जिस तरह से उनका। और हाँ मंडली की बातें मत लीजिएगा प्लीज, मंडली की मैं तो सोचती भी नहीं हूँ। मैं अपने घर में भी बोलती भाई मंडली के जैसे नहीं बनना है, कभी नहीं, क्योंकि मंडली ऐसी है भाई कि तुम्हें तुम्हारे वक्त पे तुम्हें खड़ी होगी, उसके बाद चार लोगों के बीच में कि मेषी आए थे हमारे पास, तो मंडली का नहीं चाहिए। और फिर जाते जाते ना किसी को टोन मार के जाना, सच्चे लोगों को रहना चाहिए, झूठों को नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद बोलना हक से पब्लिक को झूठे लोग चाहिए। तो आज का ब्लॉग फिर कह रही है शालिनी जी को जिताइए, अगर कोई भी देख रहा है तो प्लीज प्लीज शालिनी जी को वोट कीजिए और शालिनी जी को ही जीतना चाहिए। घर घर बिग बॉस, घर घर शालिनी जी के लिए, ज्यादातर शालिनी ने सबके मन को जीत लिया है, क्योंकि उस इंसान में बचपना है और जिसके अंदर बचपना है वो इंसान भाई जिंदा है, और जिसमें बचपना नहीं वो इंसान उसका सांसें ही चल रही है। और सब फिनिश, थैंक यू। लास्ट में ये है कि अगर घर में जिसको अगर किसी को टॉफी मिली, वैसे तो भगवान करे तो शालिन जी को मिले, बट अगर किसी दूसरे को टॉफी मिली तो भी शालिन की वजह से, मतलब मुझे शालिन जी ने डायलॉग मारा था ना, अगर यहाँ पे पंखा भी गिरा तो हमारे वजह से ही होगा। तो शालिन जी सच में, क्योंकि आप इतने फेमस हो चुके हो, लोग बोलते ना कि हम तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहते थे, चाहे जो मंडली हो चाहे जो भी हो बिग बॉस के अंदर, लेकिन फिर भी आपका जिक्र करते हैं क्योंकि आप इतने फेमस हो चुके हो। तो ऑल द बेस्ट, एंड टॉपी तो भाई शालिन के हाथों में होनी चाहिए।